हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी शेफ्टास्टिक्स। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है स्पेनिश ऑमलेट। इसे स्पेनिश टोर्टिया के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही टेस्टी एंड इजी टू कुक रेसिपी है। ये वैसे तो स्पेन की ट्रेडिशनल रेसिपी है बट ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसलिए इसे काफ़ी तरीकों से बनाया जाता है। बट फ्रेंड्स, मैं कुछ अपने ट्विस्ट के साथ आपके लिए लाया हूँ ये रेसिपी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा एंड जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे एक टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होते ही ऐड करेंगे इसमें एक आलू जिसे हमने डाइस कर लिया है। ये हमने एक कप लिया है जो वेट में अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स हैं। अब हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट फ्राई करना है। हम हल्के से सॉफ्ट होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। तो हमने इसे 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है और ये हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक स्लाइस्ड अनियन। मैंने स्लाइस किया है, आप इसमें चॉप या डाइस भी डाल सकते हैं, और इसे भी आलू के साथ ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेंगे। ये मैंने बाद में इसलिए ही डाला है ताकि आलू भी इसके साथ पक जाए। देखिए, ये ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स जिसे मैंने डायमंड शेप काटा है, आप कैसे भी काट सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे हम चॉप टोमेटोज एंड फाइनली चॉप कैप्सिकम। अगर आपके पास कैबेज अवेलेबल है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। मैं कैबेज यूज़ नहीं करते इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। और अगर आप सिर्फ आलू और प्याज से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा बनता है। अब हम इसे थोड़ा पका लेंगे और ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। जो सब्जियां हैं उन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, इन्हें क्रंची ही रखना है। अब ये पक चुके हैं तो इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडे होने के लिए रख देते हैं। अब एक बाउल में हम 3 अंडे तोड़ लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे चॉप अनियन, चॉप ग्रीन चिलीज, फाइनली चॉप कैप्सिकम, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं 1 टेबलस्पून ले रहा हूँ, एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया और पुदीना हो तो वो भी ऐड कीजिएगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। और ये मैं यहाँ इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही अच्छा सा एक क्रंच देंगे ऑमलेट को। ओहो, ये टमाटर तो भूल गया था, इसे भी ऐड करके मिक्स कर लेते हैं। अब जो वेजेस हमने पकाई थी वो इसमें डाल देंगे, और वेजेस जब ठंडी हो तभी ऐड करें। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये ऑमलेट का मिक्सर तैयार है, तो आइए इसे बनाते हैं। अब लेते हैं एक पैन और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर, और इसे पैन में चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो आधा इसमें डाल देंगे और आधा बाद में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। अब इसे अच्छे से इवनली पूरे पैन में फैला देते हैं। अब ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है तो बस यहाँ ऐड करेंगे 2 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस, और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो इसे अच्छे से फैला दिया है। अब ऐड करेंगे क्रीम चीज़। मैं यहाँ क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी यही अवेलेबल था। आप मोज़रेला, चेदर या कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से फैला देंगे और बस अब ऐड करेंगे बाकी का बचा हुआ मिक्सचर, और इसे भी अच्छे से ऊपर से इसके फैला देते हैं। अब हम यहाँ गैस का फ्लेम करेंगे बिल्कुल लो और इसे ढककर 6-7 मिनट पकाएंगे। तो दोस्तों, 7 मिनट हो चुके हैं तो इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, ये पक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, ऊपर से अभी भी थोड़ा कच्चा है, तो इसे पकाने के लिए हम इसके ऊपर रखेंगे पैन और इसे फ्लिप कर देंगे। अब इस तरफ से भी ढककर इसे 3-4 मिनट और पका लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, अब दोनों तरफ से हमारा स्पेनिश ऑमलेट पक चुका है, तो बस अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में और कर लेते हैं गार्निश विद सम चॉप टमेटोज। अब लगा देते हैं ये ब्रेड स्लाइसेस और ये थोड़ा सा धनिया, और ऊपर से स्प्रिंकल कर लेते हैं थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। तो देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा डी शेफ्टास्टिक स्टाइल स्पेनिश ऑमलेट। सो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे लगी आपको ये रेसिपी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ईजी रेसिपीज़ मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।